उत्तम आहार, आहार के विषय में, क्योंकि स्वास्थ्य के निर्धारित जितने भी तत्व हैं उनमें से आहार बहुत ही प्रमुख है, आप ये समझिए। यानी कि युक्ति संगत आहार के बिना स्वस्थ रहना असंभव है। हम जैसा अन्न का ग्रहण करते हैं उसी तरह से ही हमारा शरीर बनता है, और हमारे जो उपनिषद आदि ग्रंथों में तो आहार को जीवन कहा है, क्योंकि अन्नम वही प्राणाः, इस तरह से अन्न की बहुत ही स्तुति प्रशंसा की गई है, क्योंकि आहार ही अपने आप में एक औषधि है। आगे हम विशद चर्चा करेंगे, पर आप अभी इतना सोचिए कि आयुर्वेद के अंदर मैं बार बार इस बात की चर्चा करता हूँ कि पथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणे, अपथ्य सती गदार्थस्य किम औषध निषेवणे, कि कहा कि यदि पथ्य, यदि हमारा आहार उचित है तो दवाई की जरूरत नहीं है, और यदि आहार और पथ्य उचित नहीं है तो फिर दवाई की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आहार के द्वारा ही हम बहुत रोगों को ठीक कर सकते हैं। आहार को ठीक नहीं करेंगे तो कितनी भी दवाई खा लें बीमारी ठीक होना कठिन होता है। इसीलिए आहार को वास्तव में अपने आप में ही एक, इसको औषधि कहा गया है, या ये एक तरह से औषधि है जिससे शरीर के दोष धातु और मल का प्रीणन, मतलब कि पोषण होता है, और प्राणों का आप्यायन होता है, यानी कि वृद्धि भी होती है। प्रीणन होता है, आप्यायन होता है, यानी कि उससे पोषण होता है, इससे वृद्धि और पुष्टि होती है। इस तरह से हम इस विज्ञान को जान करके बहुत सारे अनेक व्याधियों की चिकित्सा भी कर सकते हैं, यानी हम इस आहार विज्ञान को समझें तो, जिसको आजकल प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं उसमें देखा जाए तो आहार विज्ञान ही महत्वपूर्ण है। आहार का प्रभाव केवल शरीर पर नहीं मन पर भी समान रूप से पड़ता है, और इसका इसीलिए आप जानते हैं कि एक कथन भी है, लोक प्रसिद्ध एक उक्ति भी, जैसा हम कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, वैसा रहे मन, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये जरूरी है कि हम अन्न को उचित मात्रा में सही ले लें। आहार हमारे शरीर व इंद्रियों को पुष्ट करता है, प्राणों को आहार बलवान बनाता है, और अंततोगत्वा वो आहार ही हमारे मन की प्रवृत्तियों का भी पोषण करता है। हमारे मन उसी आहार के आधार पर ही फिर उसका मन की स्थिति का निर्माण होने लगता है। अब इसको समझने की बात है, यदि हम चाहते हैं कि आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर बने, हितकर सिद्ध हो, तब हम क्या करें कि जब हम इसकी सेवन के लिए सिर्फ मात्र स्वाद के लिए नहीं, लोग स्वास्थ्य के लिए हम आहार खाएं, हम कहते हैं कि स्वाद नहीं आया, ये तो मज़ा नहीं आया। अरे भाई, मज़े के लिए नहीं, स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए खाइए। मज़ा तो सेहत ठीक रहेगा तो आएगा ना, स्वाद का मज़ा तो थोड़ी देर का है। रसगुल्ला खाया वो मज़ा कितने देर आया, जब तक खाया तब तक, पर उसका परिणाम जिंदगी पर भुगता। तो इसलिए स्वाद के लिए नहीं खाना है, खाने से जिंदगी का स्वाद मिले इसके लिए खाना है। तो स्वाद तो मिलेगा, आपको छोटा स्वाद लेना है या बड़ा स्वाद लेना है तय आपको करना पड़ेगा। तो मैं जरूर निवेदन करूंगा कि हम बड़े स्वाद के लिए छोटे स्वाद के चक्कर में ना पड़ें। इसीलिए स्मरण हम ये रखें कि हमारा जीवन खाने के लिए नहीं है, पर यह खाना जीवन जीने के लिए है।